बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री के सेकेंड लेसन में जा रहे हैं। बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। बच्चों इस लेसन में हम लोगों को जो चीज पढ़ना है, इस लेसन का जो पार्ट जो है 19वीं और 20वीं शताब्दी में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की स्थापना, सिचुएटिंग कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म इन द 19th एंड 20th सेंचुरी। बच्चों 19वीं और 20वीं शताब्दी में जिस प्रकार से उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद पूरे विश्व में, विशेष करके एशिया महादेश के देशों में, अफ्रीका महादेश के देशों में और अमेरिका में किस प्रकार से साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद फैला, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। भारत में, भारत के पड़ोसी देशों में ये कैसे फैला, एशिया महादेश के विभिन्न देश के साथ साथ अफ्रीका महादेश के विभिन्न देश, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के देश, इन सब में कैसे उपनिवेशीकरण हुआ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों सबसे पहले हम लोग को जानना होगा उपनिवेश कॉलोनी, उपनिवेशवाद कॉलोनियलिज्म और साम्राज्यवाद इंपीरियलिज्म, इसका मतलब स्पष्ट जानना हम लोगों के लिए जरूरी है। बच्चों तो सबसे पहले हम लोग कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म दोनों शब्द हम लोग साधारणतः एक साथ भी व्यवहार करते हैं, परंतु इन दोनों में ज्यादा नहीं, ये वर्ड रिलेटेड है लेकिन इनमें थोड़ा अंतर है। चलिए हम सबसे पहले कॉलोनी के बारे में देखते हैं, फिर हम लोग इंपीरियलिज्म के बारे में आएंगे और जानेंगे कि ये वर्ड कहाँ से आया, इसका मीनिंग क्या है और वास्तव में इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म में क्या संबंध है और क्या अंतर है। तो बच्चे सबसे पहले हम लोगों को देखना होगा ये जो कॉलोनी शब्द है, ये शब्द कहाँ से आया। बच्चों लैटिन वर्ड, ये शब्द ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड कॉलोनिया से, लैटिन वर्ड कॉलोनिया। कॉलोनी शब्द का मीनिंग होता है किसी दूसरे देश में जाकर सेटल हो जाना, किसी दूसरे टेरिटोरी में जाकर सेटल हो जाना। तो किसी दूसरे टेरिटोरी में जाकर सेटल हो जाने से वहां पर हमारा कॉलोनी बन सकता है जैसे। लेकिन ये कॉलोनी और कॉलोनियलिज्म, कॉलोनी और कॉलोनियलिज्म, ये दोनों शब्द हम लोग साधारण एक साथ व्यवहार करते हैं, परंतु समय के साथ साथ इन दोनों के शब्दों के में भी अंतर होता है। पैसेज ऑफ टाइम इनके शब्दों में परिवर्तन होते रहता है, कॉलोनी और कॉलोनियलिज्म। उदाहरण के तौर पर हम लोग एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि पहले भारत के बहुत सारे लोग, विशेष करके व्यवसायी समुदाय के लोग दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में गए, साउथ ईस्ट एशिया के देशों में गए और वहां पर उन्होंने भिन्न जगहों पर अपनी बस्तियां स्थापित की। तो हम लोग बोल सकते हैं वहां पर भारत के उपनिवेश बड़ा, परंतु उपनिवेश और उपनिवेशवाद, कॉलोनीज और कॉलोनियलिज्म में अंतर क्या है। कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है, उपनिवेशवाद का मतलब होता है कहीं पर सेटल हो जाना केवल नहीं, बल्कि वहां पर उपनिवेशवाद का मतलब होता है, कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है किसी जगह में सेटल होना, साथ साथ वहां पर वहां के जो देश है, वहां के जो स्थानीय लोग हैं उन पर शासन करना, वहां पर अधिकार जमाना, वहां पर वहां के जो रिसोर्सेस है उसका दोहन करना और साथ ही साथ वहां पर जातीय भेदभाव फैलाना, ये उपनिवेशवाद है। तो साधारणतः कॉलोनी में हम लोग बोलते हैं कि किसी दूसरे जगह जाकर सेटल हो जाना, वो उपनिवेश हो सकता है लेकिन उपनिवेशवाद नहीं हो सकता है, कॉलोनियलिज्म नहीं हो सकता है। कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है कि किसी दूसरे देश में सेटल होने के साथ साथ वहां पर अपना प्रभाव बढ़ाना, वहां पर अपना शासन स्थापित करना, वहां के लोगों पर अपना शासन करना, वहां के जो रिसोर्सेस है उसका दोहन करना और साथ ही साथ स्थानीय लोगों पर एक प्रकार से शासन चलाना, ये उपनिवेशवाद है। तो बच्चों ये उपनिवेशवाद है और कॉलोनियलिज्म इसको बोलते हैं। तो कॉलोनी शब्द कॉलोनिया शब्द से आया है जिसका मतलब होता है सेटल होना। तो कॉलोनी और कॉलोनियलिज्म में अंतर है बच्चों, सेटल हो जाना एक चीज है और सेटल होने के बाद वहां पर शासन स्थापित करना, वहां के स्थानीय लोगों पर शासन करना, उस देश के भूखंड पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना,
ये अलग बात है, ये कॉलोनियलिज्म है। तो मेरे ख्याल से वैसे तुम लोगों ने उपनिवेश और उपनिवेशवाद का अंतर समझा होगा। तो उपनिवेश और उपनिवेशवाद में भी अंतर है बच्चों, तो हम लोग समझ सकते हैं कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद में भी दोनों एक जैसे शब्द हैं, दोनों का प्रयोग हम लोग रिलेटेड है, दोनों में संबंध है, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर भी है। साम्राज्यवाद और कॉलोनियलिज्म हम लोग साधारणतः बोलते हैं 19वीं और 20वीं शताब्दी में उपनिवेशवाद की स्थापना अथवा साम्राज्यवाद की स्थापना। लेकिन उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में थोड़ा अंतर है। जैसे कि आप सबको ये वर्ड कहां से आया, साम्राज्यवाद जो शब्द है, इंपीरियलिज्म जो शब्द है, ये भी लैटिन वर्ड है बच्चों, और ये इंपीरियम शब्द से आया है। कहां से आया है? इंपीरियम शब्द से आया है। और इंपीरियम शब्द का एक्चुअली मीनिंग होता है कमांड करना, ऑर्डर करना अथवा ऑथोरिटी, मतलब एक ऑथोरिटी की स्थापना करना। तो इस शब्द से हम लोग पता चलता है कि इंपीरियलिज्म जो है किसी दूसरे देश में जाकर सेटल होने के साथ साथ वहां के शासन तंत्र को, वहां के भूभाग को अपने साम्राज्य के अंतर्गत लाना। जैसे मेरे साम्राज्य के अंतर्गत कितना है शासन, मेरा देश का जो साम्राज्य है वो कितना एरिया तक फैला हुआ है, अपना डोमिनेंस में वृद्धि करना, अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाना और उस देश को अपने अधीन लाना, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से उस देश को अपने अधीन में लाना इंपीरियलिज्म है। लेकिन बच्चों आप तुम लोग बोल सकते हो कि उपनिवेशवाद भी तो वही है, किसी देश पर शासन करना, किसी देश के संसाधन पर अधिकार करना, किसी देश पर राजनीतिक रूप से अधिकार करना, उस देश के लोगों पर जातीय भेदभाव करना, शोषण करना, ये तो उपनिवेशवाद कॉलोनियलिज्म में भी होता है और इंपीरियलिज्म भी वही है, वहां पर भी शासन होता है, राजनीतिक रूप से अधिकार होता है। लेकिन इसमें अंतर यह है बच्चों, अंतर हम लोग इस तरह समझ सकते हैं कि इंपीरियलिज्म का मतलब यह है प्रभुत्व बढ़ाना, अपना प्रभुत्व में वृद्धि करना, अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाना। और ये प्रभाव क्षेत्र कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो इंपीरियलिज्म को फैलाने के लिए उपनिवेशवाद का सहारा लिया जा सकता है। अगर साम्राज्यवाद हम लोग फैलाना चाहे तो उसमें उपनिवेशवाद का सहारा ले सकते हैं, जैसे किसी देश पर जीतना, वहां पर अपना सेटल करना, अपने देश के लोगों को ले जाकर रखना, वहां के लोगों पर शासन स्थापित करना। तो ये जो प्रक्रिया है ये साम्राज्यवाद का एक हिस्सा है। तो उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद का एक हिस्सा है, तो दोनों में रिलेशन है और दोनों में अंतर भी है। तो उपनिवेश, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, ये तीनों चीज़ों पर हम लोग को जानकारी रखना बहुत जरूरी है बच्चों। और साथ ही साथ हम लोग को ये देखना होगा कि उपनिवेश स्थापना करने वाले जो दोस्त देश थे, साम्राज्यवाद फैलाने वाले जो देश थे, साम्राज्यवाद प्राचीन समय से ही था, तुम लोग जानते हो ग्रीक साम्राज्य का अपना एक प्रभाव था, यूनानी साम्राज्य जिसको बोलते हैं, रोमन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य, टर्की साम्राज्य, तो ये जो साम्राज्य था बड़े बड़े साम्राज्य है। और एक समय ऐसे कहा जाता था कि इंग्लैंड और ब्रिटिश का जो साम्राज्य है उस पर कभी सूर्यास्त नहीं होता है, इतना बड़ा क्षेत्र पर ब्रिटिश का साम्राज्यवाद फैला हुआ था। तो बच्चों उपनिवेश लैटिन वर्ड कॉलोनिया से आया है, कॉलोनी से, कॉलोनिया शब्द से कॉलोनियलिज्म आया है, कॉलोनिया का मतलब दूसरे देश में जाकर सेटल होना। तो सेटल होने से हम लोग उपनिवेशवाद नहीं बोलेंगे, उपनिवेश बोल सकते हैं, कॉलोनी स्थापित हुआ है, कॉलोनियलिज्म नहीं हुआ है। कॉलोनियलिज्म कब बोलेंगे, जब उस देश पर हम लोग अधिकार करेंगे, वहां के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करेंगे और वहां के लोगों पर जातीय भेदभाव करेंगे, तो एक प्रकार से वहां पर कॉलोनियलिज्म की स्थापना हुई, जैसे अंग्रेजों ने भारत में किया। तो ये कॉलोनियलिज्म को इतिहासकारों ने, हिस्टोरियन ने तीन प्रकार का उपनिवेशवाद को माना है। प्रथम खंड में, प्रथम भाग में वो लोग बोलते हैं इस प्रकार के उपनिवेशवाद जिसमें वहां के जिस जगह पर वो लोग गए उपनिवेश की स्थापना की, वहां के पूरे जो जाति है, उस देश के जो मूल निवासी है उस पर पूर्ण रूप से हावी हो जाना, पूर्ण रूप से हावी हो जाना ओवरऑल। तो उस देश से अमेरिका पर जो उपनिवेश की स्थापना हुई बच्चों, यूरोपियन कल्चर, यूरोपियन टेक्नोलॉजी, यूरोपियन जो एडवांस लोग थे वो लोग वहां पर हावी हो गए। तो अमेरिका में जिस प्रकार का उपनिवेश स्थापित हुआ उसको हम लोग बोल सकते हैं प्रथम प्रकार का उपनिवेश का उदाहरण। दूसरे प्रकार के उपनिवेश के उदाहरण में हम लोग देख सकते हैं जो उपनिवेश स्थापना करने वाले देश हैं वो लोग सर्च ऑफ वेल्थ, धन की खोज में दूसरे देशों में जाकर सेटल हो गए। दूसरे देशों में जाकर उन्होंने वहां के शासन सत्ता को अपने हाथों में लेने की चेष्टा की, धन की खोज में, सर्च ऑफ वेल्थ। और वो लोग बस जैसे अफ्रीका महादेश में बहुत सारे
यूरोपियन देश के लोग इस तरह से गए और सर्च ऑफ वेल्थ की तलाश में अफ्रीका महादेश इसका उदाहरण है। और तीसरे प्रकार का उपन्यास का इस्तेमाल बच्चों, ये साधारणतः इसका मेन भारत का उदाहरण दिया जा सकता है। भारत में अंग्रेज लोग पहले व्यापार करने आए, फिर उन्होंने देशी राजाओं को हराया, कुछ मिलिट्री लेके आए, लेकिन अंग्रेज लोग बहुत भारी संख्या में भारत में आए ऐसा नहीं है, वो लोग ज्यादा संख्या में नहीं आए थे, उन्होंने कुछ देशी राजाओं को हराया, इस तरह से धीरे धीरे करके भारत के सत्ता पर उन्होंने कब्जा हासिल किया। और उनका प्रथम उद्देश्य यही था कि भारत से धन का निष्कासन करना। वो लोग यहाँ पर पूर्ण रूप से बसने के लिए नहीं आए थे, वो लोग भारत से अपनी संपत्ति का निष्कासन करना चाहते थे, जिसको हम लोग ड्रेन ऑफ वेल्थ बोलते हैं। और एक तरह से भारत में उन्होंने आर्थिक रूप से लूट मचाया। तो ये जो प्लंडर और लूट, जो लूट की जो प्रक्रिया वाले उपन्यास की स्थापना थी, ये तीसरे प्रकार के उपन्यास की स्थापना जो भारत में हुई थी। तो प्रथम प्रकार का उदाहरण अमेरिका, दूसरे प्रकार में अफ्रीका महादेश का विभिन्न उपनिवेश, और तीसरे प्रकार में भारत का उदाहरण। तो ये उपनिवेशवादी देशों ने इस प्रकार से उपनिवेशों की स्थापना की। और साम्राज्यवाद उसी उपनिवेशवादी प्रक्रिया के द्वारा साम्राज्यवाद का जन्म हुआ। साम्राज्यवाद का ही एक हिस्सा है उपनिवेशवाद। तो इंपीरियलिज्म, इंपीरियम शब्द, ये भी लैटिन वर्ड से आया हुआ है, इसको हम लोग जानेंगे। इसका अर्थ होता है कमांड, अथॉरिटी या ऑर्डर। तो साम्राज्यवाद फैलाने के लिए उपनिवेशवाद भी एक माध्यम हुआ है और इसको उसको अपनाया गया। तो बच्चों एक ही जैसा लगता है सभी शब्द, लेकिन थोड़ा माइनर अंतर है। कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म, ये सब में कॉलोनी, तो हम लोग पहले क्लियर होंगे व्हाट इज कॉलोनी, व्हाट इज कॉलोनियलिज्म एंड व्हाट इज इंपीरियलिज्म। तो इन तीनों टर्म्स में हम लोग क्लियर होंगे और इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कि विश्व में किस किस देशों ने उपनिवेश को फैलाया, वो कौन कौन से देश थे जिन्होंने उपनिवेशवाद को फैलाया, साम्राज्यवाद को फैलाया, और 19th और 20th सेंचुरी में जिन्होंने पूरे विश्व को अपने उपनिवेशीकरण के आगोश में ले लिया। इन सारे देशों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड, इटाली, तो इन सारे देशों के बारे में, जिन्होंने इस डेनमार्क, जिन्होंने भी विश्व में, पुर्तगाल, जिन्होंने विश्व में उपनिवेश स्थापना की उसके बारे में पढ़ेंगे, और कौन कौन देश इन उपनिवेश के शिकार हुए, उपनिवेशवादियों के शिकार हुए, उसमें हम लोग एशिया महादेश के देश, अफ्रीका महादेश के देश और अमेरिका के देशों के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप लोग याद रखिएगा व्हाट इज कॉलोनी, व्हाट इज कॉलोनियलिज्म एंड व्हाट इज इंपीरियलिज्म, ये तीनों शब्दों का जो अर्थ है इसको जानोगे। और कॉलोनियलिज्म तीन प्रकार से किया जाता है, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप में मैंने उदाहरण देकर समझाया, इसको आप लोग अच्छी तरह से पढ़ोगे। तो कल हम लोग दूसरे टॉपिक्स में जाएंगे और बढ़िया से उपनिवेशवाद का और साम्राज्यवाद का जो फैलाव है उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।